हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एनडीपी एट एफसी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जितना भी खर्चा लगा, किस में प्रोडक्शन करते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज की, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसमें कि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक साल में। तो हमारे पास क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहले हमारे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सेम वे सेकेंड में हम देख लेते हैं net domestic product at factor cost is equal to net national product at factor cost minus NFYA। सेम वे अगर मैं कहूँ नेशनल, अगर मैंने फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या आएगा? डोमेस्टिक प्लस NFYA। और अगर डोमेस्टिक निकालना है तो क्या हो जाएगा वो? नेशनल माइनस NFYA। थर्ड में हम देख लेते हैं NDP at FC is equal to NDP MP minus NIT। तो यानी कि फैक्टर कॉस्ट जब निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस माइनस NIT। तो NIT मैंने पहले ही बताया है, जो क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये बहुत इजी वे है फॉर्मूलाज एक एक करके याद करने का। तो नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख के उन्हें याद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।